आज की जो दो बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर है, जो आप देख रहे हैं, हम सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं, जो एनसीबी की पूछताछ जारी है फिल्म अभिनेत्रियों से, तो दीपिका पादुकोण से जो जानकारी ली जा रही थी, जो पूछताछ की जा रही थी, वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से अभी भी एनसीबी की पूछताछ जारी है। दीपिका पादुकोण से सुबह 10 बजे ये पूछताछ होनी शुरू हुई थी, 10 बजे का वक्त उनके लिए निर्धारित किया गया था, 10 बजे से पहले ही हालांकि वो पहुंच गई थी, और पहले के जो दो घंटे हैं उनसे अकेले पूछताछ की, उसके बाद करिश्मा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से अब भी इस वक्त पूछताछ जारी है। वैसे हर समाज को एक आदर्श की जरूरत होती है, हर देश अपना रोल मॉडल गढ़ता है, रोल मॉडल के नक्शे कदम पर उस देश की युवा पीढ़ी आगे बढ़ती है, यानी जैसा रोल मॉडल होता है, जैसा आदर्श होता है, देश का भविष्य भी वैसा ही बनता है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा फिल्मी सितारों को रोल मॉडल की तरह देखता है, खासतौर पर युवा पीढ़ी की बात करें तो फिल्मों के सितारों को वो आदर्श की तरह देखते हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड के हीरो हीरोइन वाकई समाज के आदर्श हैं? बॉलीवुड में जिस तरह से ड्रग्स रैकेट का यह खुलासा हुआ है, उसके बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि नशे के खेल में फंसे इन सितारों को क्या समाज का रोल मॉडल कहा जा सकता है, या फिर समाज के रोल मॉडल वो सैनिक, वो खिलाड़ी, वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, कानून का पालन करते हैं, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। जो सैनिक देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, वो असली नायक हैं या वो फिल्म स्टार जो ड्रग्स के दलदल में फंसे हुए हैं? ये आज आपको तय करना है। आज हम आपसे यही जरूरी सवाल पूछ रहे हैं, आपको रोल मॉडल चाहिए या ड्रग्स मॉडल चाहिए? मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल से भागेंगे नहीं, बल्कि ईमानदारी से इस सवाल का आज जवाब देंगे। तो #myrealhero इसी पर आपको अपनी राय देनी है, हमें इंतजार है आपकी राय का। आपका रोल मॉडल कौन है? ये चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं, आपको चुनना है आपका रोल मॉडल कौन। शिवांगी सिंह, कुमुदिनी त्यागी, रीति सिंह, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, आपको चुनना है अपना रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है? अभी आपको अपडेट्स भी देते चले, क्योंकि एनसीबी की जो पूछताछ हो रही है उसमें जो राज खुल रहे हैं वो भी आपके लिए जानने बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहले मैं रुक कर रही हूँ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा, जो आप देख रहे हैं सुबह से ही वहां पर डटे हुए हैं। एनसीबी के गेस्ट हाउस में ये पूछताछ चल रही थी दीपिका पादुकोण से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, पूछताछ खत्म हो चुकी है, बहुत ही तीखे सवाल हुए दीपिका पादुकोण से और कुछ सवालों का वो गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई, निकल कर क्या आया अभी तक की पूछताछ में? लेकिन ये उनका ये भी कहना है कि इसमें देखिए, बिल्कुल एनसीबी की करीब 5 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हुई है दीपिका पादुकोण से, 2 घंटे उससे अलग से पूछताछ हुई थी, उसके बाद करिश्मा प्रकाश को और इन दोनों को कन्फ्रंट करा के जब पूछताछ की गई थी, तो जिन सवालों को वो पहले टाल रही थी उसके बाद उनके जवाब वो देने लगी थी। उन्होंने कई चीज़ों को माना है, जो जवाब वो एनसीबी जानना चाहती थी उसके ज़्यादातर सवालों के जवाब एनसीबी को मिल चुके हैं। ड्रग्स वाली बात पे भी शुरू से नकार रही थी, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप चैट वाली बात और ग्रुप वाली बात को कबूल ली थी कि यह ग्रुप उन्होंने बनाया था, वो एडमिन थी और इसमें जया शाह, करिश्मा और वो तीनों लोग थे और उसमें। लेकिन जिस तरीके से आशीष और बाकी चीज़ों से हैश के लिए जो मैसेज किए गए थे उसको लेकर वो टाल रही थी, कोड वर्ड की बात कर रही थी कि वो सिगरेट कभी कभार पीती हैं, पुरानी चैट है, तो इस तरीके के सवाल जवाब चल रहे थे। जवाब जब मिल रहे थे तो उसके बाद काफ़ी सख्ती से पूछताछ हुई थी, महिला अधिकारियों के सामने पूछताछ हुई थी, उसके बाद वो टूटी और उन्होंने कई सारे ऐसे जो जवाब थे जो एनसीबी जानना चाहती थी वो दिए। वो सारी जानकारी क्या है फिलहाल वो निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ सारी जानकारियों को अभी एनसीबी जो है वो सीक्रेट रखना चाहती है, क्योंकि किन किन लोगों के नाम लिए उनसे एनसीबी का ऑपरेशन जो है वो ख़राब हो सकता है, लिहाजा फिलहाल अभी वो सारी जानकारियाँ शेयर एनसीबी नहीं कर रही है। लेकिन आज की पूछताछ ख़त्म हो गई है और ये बताया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश को दोबारा से भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
गया है। एनसीबी की वो एसआईटी टीम यहाँ से निकलकर वो मुंबई की जोन के ऑफिस गई है जहाँ पे श्रद्धा कपूर और सारा अली खान है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पूछताछ इस मामले में भी की जाएगी और केस नंबर जो दूसरा है जो सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ है। जो जब ये फिल्म अभिनेत्री वैसे शूटिंग के लिए जाती है तो इनके पास स्क्रिप्ट होती है, रीटेक्स होते हैं जब ये शूटिंग के लिए जाती है, लेकिन आज अब परिस्थिति इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं है, अब तो तीखे सवाल हैं जिनका सामना करना है और साथ ही साथ रीटेक की अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये फिल्मी पर्दे से लेकर और आज का ये जो पर्दा आ गया है, जो रूपला पर्दा जिस तरह से काला हो गया है, वो सब देख रहे हैं और इसीलिए हम ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं आज कि आपका रोल मॉडल कौन है। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, आप देख पा रहे हैं गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं, महाभारत में युधिष्ठिर के रोल में आपने उनको देखा है और FTII के चेयरमैन भी वो रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा को आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और मेजर जनरल JKS परिहार हमारे साथ हैं और प्राची अधिकारी हैं एक्ट्रेस अभिनेत्री, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं मेजर जनरल के सिन्हा आपसे, आप भी देख रहे होंगे किस तरह से ये नए नए नाम, ये नामों की जो फहरिस्त है बहुत लंबी होती जा रही है। रिया चक्रवर्ती से शुरुआत हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं रकुल प्रीत और सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, और ये न जाने ये लिस्ट कितनी लंबी देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं रूपले पर्दे का काला सच, ये सबके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इन्हें आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, ऐसे लाखों युवा हैं जो इनसे रोज प्रभावित होते हैं, इन्हें सर आंखों पर बैठाते हैं, क्या आप इनसे ऐसी अपेक्षा रखते हैं? देखिए मीमांसा जी ने आपने जो सवाल खड़ा किया है और आपका हैशटैग जो है कि आप किसको रोल मॉडल मानते हैं, मेरा ये मानना है ये पूरे विश्व के अंदर में है, जो देश जिस तरह से अपने लीडरशिप को एक रोल मॉडल की तरह चुनता है उस तरह ही देश बनता है। देश का बनना बिगड़ना महान छोटा बड़ा, यदि आप टेररिस्ट को अपना रोल मॉडल मानिएगा तो आप पाकिस्तान बन जाइएगा, यदि आप किसी ड्रगिस्ट को मानिएगा तो आप नॉर्थ कोरिया चले जाएं या जैसे और दूसरे कैरेबियन स्टेट्स हैं वैसे बन जाएंगे। आज के दिन में क्या है, देखिए मीमांसा जी, ये जितने हीरो हीरोइन हैं वो भी एक रोल मॉडल को लेकर के, कभी उन्होंने भगत सिंह का रोल अपनाया, कभी सुभाष चंद्र बोस का, कभी ऐसे हमारे बहुत सारे जिसको आप कहती हैं एक्चुअल टाइगर्स का, चाहे समाज से निकले हुए, उनके एक मॉडल को लेकर के वो हीरो बन गए। पेपर के स्क्रीन के ऊपर में लोगों ने उनको सर आंखों में बैठाया और आज आप देखिए हम लोग पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी का पूरा देश, ये देखिए मेजर जनरल के सिन्हा, ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं, अगर आप भी देख पा रहे हैं अपना टेलीविजन, ये हम दिखा रहे हैं तस्वीर सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह और सारा अली खान की। अब सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह जो हैं वो ऑब्जर्वर के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है युद्ध पोत पर और ये पहली दफा है जब हमारे देश की महिलाओं ने, हालांकि नेवी में पहले से महिलाओं की एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये पहली दफा है जो इतनी अहम जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी निभाएंगी सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह जो युद्ध पोत पर तैनात होंगी और वहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। यानी कि कितनी तकनीकी ज्ञान इसके लिए चाहिए, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग इसके लिए चाहिए, कितना संघर्ष इन्होंने किया होगा और इस मकाम तक पहुंची हैं, आप ये तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, इनका भी सिलेक्शन हुआ है ऑब्जर्वर के तौर पर, ये भी रीति सिंह की तरह ही इनको भी यही जिम्मेदारी सौंपी गई है, अहम जिम्मेदारी कि ये ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात होंगी युद्ध पोत पर। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जिस तरह से एनसीबी की पूछताछ हो रही है और ये दीपिका पादुकोण यहां से शायद निकल रही हैं कार में क्योंकि पूछताछ का जो सिलसिला है उनसे वो खत्म हो चुका है। करिश्मा को आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ की गई, जो करिश्मा उनकी मैनेजर है उनके साथ बैठाकर यह पूछताछ की गई है क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो है वो दीपिका पादुकोण और करिश्मा की हमने आपको दिखाई थी जिसमें हैश को लेकर बात हो रही थी, वीट का जिक्र था, कोको पब में पहुंचने की बात हो रही थी। अब ये सारे जो तीखे सवाल हैं ये दीपिका पादुकोण से आज पूछे गए हैं, हालांकि वो सभी सवालों का गोलमोल जवाब देती रही, उन्होंने व्हाट्सएप चैट जरूर कबूल की कि ये उन्हीं की है क्योंकि वो उस ग्रुप की एडमिन भी थी जिसमें जया सदस्य बनी हुई थी और साथ ही साथ करिश्मा भी उस ग्रुप की सदस्य थी।
और ये देखिए जब हम ये दो तस्वीरों में कितना अंतर देखते हैं, दीपिका पादुकोण वर्सेस मैरी कॉम, ये संघर्ष की कहानी आप एक और देख रहे हैं। दीपिका पादुकोण, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि नायिकाएं अपने तौर पर संघर्ष नहीं करती हैं, उन्हें भी मेहनत करनी होती है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि संघर्ष से सफलता का जो सफर आप तय करते हैं उसमें अगर आप गलत काम करते हैं तो एक धब्बा लग जाता है आपकी इमेज पर, और ये धब्बा नहीं लगना चाहिए। ये सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि आप अगर कामयाबी के शिखर पर बैठे हैं, अगर लोग आपको एक रोल मॉडल के तौर पर देख रहे हैं, तो एक अकाउंटेबिलिटी भी आपकी बनती है, जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आ जाती है, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में हैं। आप ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागने लगेंगे। गजेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं। गजेंद्र चौहान जी, जब आप इन दो तस्वीरों को देखते हैं, कितना अंतर नजर आता है रियल लाइफ हीरो और रियल लाइफ हीरो में, या मैं इसमें हीरोइन ऐड कर दूं, क्योंकि नायिकाएं जो पर्दे पर नजर आती हैं और पीछे की जो जिंदगी में जो ड्रग्स के दलदल में फंसी हुई हैं, उसमें इतना अंतर क्यों है? मानसा जी, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है, लेकिन हमारी जो रियल लाइफ है उसमें जो लोग काम करते हैं उसमें भी कोई बहुत सारे रियल हीरोज हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी भारत रत्न है, हमारे यहाँ भी पद्म विभूषण है, पद्म भूषण लोग हैं, नेशनल अवार्ड जीते हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब जनता जो आपको सर पे बिठाती है और आपको कामयाबी के उस शिखर पे पहुँचाती है, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति। असली हीरो वही है जो देश हित में काम करे, समाज हित में काम करे, लोगों के लिए काम करे। हाँ, ये दो लाइफ एक कलाकार को जीनी पड़ती है, एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब आप रियल लाइफ से बाहर निकल के रियल लाइफ में आते हैं तो कोई आप ऐसा गलत काम ना करे जिससे आपके फॉलोअर्स, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स जो हैं, कोई गलत संदेश उन तक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिम्मेदारी, कलाकारों की जिम्मेदारी दूसरे लोगों से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो रियल हीरोज हैं उनको तो एक ही काम है। हमारे यहाँ दो काम है, एक रियल लाइफ में काम करना, उसके माध्यम से लोगों को, समाज को संदेश देना। एक रियल लाइफ है जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उस पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है। जब तक आप उसमें रियल हीरो बन के नहीं रहेंगे, आप समाज को संदेश नहीं दे पाएंगे। इसलिए समाज को अगर संदेश देना तो एक कलाकार की जिम्मेदारी बाकी लोगों से बढ़ जाती है, इसलिए आपको वो जिंदगी जीनी पड़ती है जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली और लोगों से मुश्किल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल लाइफ में भी, रियल हीरोज में भी रियल हीरोज हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनिंदा लोगों की वजह से बॉलीवुड की तरफ उंगली उठ रही है। परिवार का अगर एक सदस्य गलत निकलता है तो पूरे परिवार की बदनामी होती है। इस केस में भी यही हो रहा है कि चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, ड्रग्स में चले गए हैं, और ये कल्चर पिछले कुछ वर्षों से पनपा है यहाँ पे बॉलीवुड में, इसके पहले नहीं था। अगर आज मुझे 40 साल हो गए फिल्म लाइन में, मैंने पहले 30 साल में कभी नहीं देखा ये कल्चर, लेकिन अब जो ये डेवलप हुआ है, उस वक्त रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। लेकिन पिछले दिनों जो ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज आई हैं, कोऑर्डिनेटर्स आए हैं, जो कॉरपोरेट सिस्टम आ गया है बॉलीवुड में, उसमें कहीं ना कहीं ये कल्चर डेवलप हुआ है जिसकी वजह से ये बदनामी हो रही है। जी, प्राची भी हमारे साथ हैं, और चूंकि वो खुद एक अभिनेत्री हैं, प्राची जी, जब हम दीपिका पादुकोण की बात करते हैं जो बॉलीवुड की टॉप 10 अभिनेत्रियों में शामिल हैं और इतनी उनकी ब्रांड वैल्यू है, और हम देखते हैं कि क्रिस्टल अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया, लेकिन जब हम उन्हें धुएं के छल्ले उड़ाते हुए उस केस में फंसते हुए देखते हैं तो हमें खुद पर शक होने लगता है कि हम जिनको रोल मॉडल मानते हैं क्या उन्हें मानना चाहिए, कौन है असली रोल मॉडल? देखिए, पहले तो अपने घर से शुरुआत करनी होगी कि बच्चों को ये बताया जाए कि रियल और रियल लाइफ में अंतर है। ये जो आपका बिजली पानी छत है ना, ये सब के जो खर्चे हैं ये रियल है। ये जो बड़ी बड़ी ग्लैम और गाड़ी है, छह परत मेकअप की, काले से गोरा बना के, नाक पतली करके, नकली सारी चीजें नकली, ये रियल नहीं है। और जो स्क्रिप्ट राइटर है, अगर मान लीजिए कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी कोई ऐसा बता भी रहा है किसी लक्ष्य, कोई भी बढ़िया मूवी करके, वो जो मूवी लिखी गई है ना, उसमें स्क्रिप्ट राइटर की मेहनत है, इन्होंने सिर्फ एक्टिंग करी है, तो ये कोई काम नहीं है।
ये काम ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ठीक है वो टैक्स देते हैं, तो टैक्स भी तो हम ही उनको दे रहे हैं ना, हम ही दे रहे हैं सारी चीजें। अगर आज के युग का कोई अगर मुझसे आप रोल मॉडल पूछे तो मेजर बत्रा रहेंगे, जिन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, जब उन्होंने कारगिल की चोटी में उसको फतेह करा था। अगर आज का अगर कोई रोल मॉडल कहेंगे तो निर्मला रमण जैसे लोग हैं, या सुषमा स्वराज, आदरणीय सुषमा स्वराज जैसे लोग हैं, लक्ष्मी बाई जो हमारी थी, हमारे पूर्वज, ये हमारे बिल्कुल हर किसी के लिए अपना अपना रोल मॉडल हो सकता है। और इसीलिए हम दर्शक जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी इस पर जरूर अपनी राय ट्वीट कीजिए माय रियल हीरो हैशटैग के साथ। हमें इंतजार है आपकी राय का, आप क्या सोचते हैं, आपका रोल मॉडल कौन है? एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।